हेलो वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तस्खीर। आज के वीडियो में हम देख रहे हैं कुछ फ़नी टाइप का वीडियो जो कि है ईद से रिलेटेड। बकरीद आ रही है जैसे कि हम सबको पता है, एंड बहुत ज़्यादा चर्चे हैं बकरीद के। इसी मौके पर कुछ कस्टमर्स होते हैं, फ़नी कस्टमर्स इन काउ मंडी, बकरीद स्पेशल कॉमेडी स्किट, इडियट्स की तरफ से है वीडियो। तो चलिए बना देखिए, स्टार्ट करते हैं, बाकी बात हम करेंगे बाद में। लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। हे गाइस, आप लोगों ने मंडी की वीडियोस तो बहुत देखी होंगी, लेकिन इस तरीके के कस्टमर्स आपने कभी नहीं देखे होंगे जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तो फिर वीडियो देखें। ये क्या क्या तगड़े तगड़े होते हैं बहुत ज्यादा वहां पर, बैल वगैरह जानवर। हाँ, एक एक चीज को जांच कर चेक करके। ये सेलर है। ओ भाई, क्या कर रहे हो? अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरा नाम काशान है, मैं प्रोफेशनल डॉक्टर MBBS फ्रॉम लंदन। आपकी गाय का चेकअप कर रहा हूँ मैं। भाई ये कोई क्लिनिक नहीं है, बेचने की जगह है। गाय खरीदनी है तो बात करो। अरे बॉस, खरीदनी तो है इसीलिए तो चेकअप कर रहा हूँ। अच्छा, खरीदनी है तो भाई ये जो आप जानवर चेक कर रहे हैं ये 4 लाख रुपए का है। अरे बॉस, अगर आपकी गाय चेकअप में पास हो गई तो मैं 4 लाख क्या डबल दूंगा, 8 लाख, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन प्लीज मुझे चेकअप तो करने दीजिए। 8 लाख रुपए? ठीक है, करो करो चेक, करो करो। खालिस गाय हमारी, मक्खन दूध बादाम वगैरह सब खिला के हमने बड़ा किया। ओ बकरत, क्या कर रहे हैं? चेकअप चेकअप नहीं कर रहे हो तुम, जानवर को तकलीफ पहुंचा रहे हो। चेकअप करना है तो इंसानों की तरह करो। ओके ओके, सॉरी भाई, ठीक से करता हूँ चेक। ओ भाई क्या कर रहा है यार, ये क्या कर रहा है, तू पागल है क्या? अरे बॉस, मैं आपके गाय का कोरोना टेस्ट कर रहा हूँ, कहीं गाय को कोविड तो नहीं है? उसके बाद ECG करना पड़ेगा, एंड आई रिकमेंड विटामिन D3 आल्सो, और उसके बाद मुझे अल्ट्रासाउंड के लिए तो ले जाना पड़ेगा इसको। पागल ना, तो निकल यहां से, चेक करो। सच में मार दिया भाई, डॉक्टर को मार। ये भी डर रहा था उससे। अस्सलाम वालेकुम खवातीन आज़ाद, एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मंडी के अंदर, और आज मैं यहाँ पर व्लॉग बनाऊंगा, और साथ साथ अपना जानवर भी खरीदने आया। और ये जो मेरे पीछे आप जानवर देख रहे हैं ना बॉस, ये आपके भाई के दिल को लगती है। व्यापारी भी आ गए, इनसे पूछते हैं, बॉस ये 2 दांत का है कि 4 दांत का? यूट्यूबर का बता रहा है। 6 दांत का, बस कट कर दे, वो अगला शॉट अगले एंगल से लेंगे। भाई साहब, ये किस चीज की शूटिंग चल रही है? अरे बॉस, ये मेरी वीडियो की शूट चल रही है, मैं बहुत बड़ा यूट्यूबर हूँ, मतलब इंटरनेट पे बहुत लोग मुझे देखते हैं, 10 लाख से ज्यादा मेरे फॉलोवर्स हैं। आज अपना जानवर लेने निकला तो सोचा व्लॉग भी बना लूं साथ। अच्छा अच्छा, तुम एक काम करो, तुम्हारे जितने भी तगड़े बड़े जानवर है ना उनके पास मुझे लेके चलो, उनके शॉट लूंगा, वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, चलो आ जा। यूट्यूबर्स भी बहुत पहुंचते हैं वहां पर दिखाने के लिए। जी भाई, जानवर खरीदने की आप बात कर रहे थे, कौन सा पसंद आया आपको? ये वाला कितने का है? ये वाला माशाल्लाह बड़ी जबरदस्त आपने चीज पसंद की है। ये वाला 2.5। कट कर यार, लो एंगल से बना, वहां से लेंगे शॉट। बोल नहीं पा रहा, लो एंगल पे चले यार, स्टार्ट है। हाँ भाई, कितने का है? 2.5 लाख का। भाई आपने जानवर लेना भी है या बस वीडियो वगैरह बनानी है खाली? भाई एक तो मैं तुम्हारी मशहूरी कर रहा हूँ और तुम ऐसी बातें कर रहे हो। भाई ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, इसे लोग देखेंगे और उससे तुम्हारी कस्टमर बनेंगे। और बिल्कुल जानवर लेना है, साथ में व्लॉग भी बनाना है। खैर, क्या बताया था तुमने? 2.5 लाख। 2 दांत का है ना? हाँ, 2 दांत की बच्ची है। हाँ, कलर भी अच्छा है। चलो डील डन करते हैं, पैसे भी कम नहीं करा रहा तुमसे, अब तो खुश हो? ठीक है सर, ठीक है। बात सुन, इनका एक ड्रोन शॉट बनाते हैं ऊपर से ना, पूरा मंडी वंडी सारा सीन आएगा, तो आप ऐसे खड़े रहना, वो हेलीकॉप्टर आएगा भी, आप बस खड़े रहना, देखते रहना, सही है? टेंशन नहीं लो, फिर गाय लेते हैं, मसला नहीं, चला जा। सर हेलीकॉप्टर आएगा? हाँ हेलीकॉप्टर आएगा, खड़ा रहे भी यार, छोटा वाला हेलीकॉप्टर। ला तेरी शक्ल पे बगैरत, बिजनेसमैन हो के ये बहुत सीरियस बन रहे हो। हाँ भाई बात सुनो, 7 गायें 2 दांत वाली और 5 गायें 4 दांत वाली, जरा अच्छी तगड़ी किस्म की निकालो। भाई तुम भी कोई वीडियो वगैरह बनाने आए हो क्या? प्रैंक श्रैंक करोगे मेरे साथ? अब जो बोला है वो निकालो। 7 और 5। सर पूरा मोहल्ले की खरीदने आ गए क्या? मोहल्ले की नहीं बेटा, सारी अपनी है। तुम जानवर निकालो और ये मेरे बैठने का कोई इंतजाम करो।
जी सर, मैं निकालता हूँ, अभी बिठाता हूँ। सर आप बैठे, मैं जानवर निकाल के लाता हूँ। अबे यार कितनी गंदगी है। नो टॉसेस। इतनी ही चर्बी है तो अपना कटर फंक क्यों खोल लेते। बेटा मंडी से लेने की आदत है हमें। एक जमाना था जब हम भी गरीब हुआ करते थे, 9 to 5 की जॉब करते थे, रात तो रात अमीर हो गया मैं। साहब जानवर निकाल दिए, आके देख लें। अरे यार बस डील डन करो यार, अब क्या टाइम वेस्ट करना। मैं ट्रक मंगवाता हूँ, आप जानवर रेडी करो। देखे ट्रक, ठीक है साहब। प्रॉपर्टी डीलर हूँ। प्रॉपर्टी की तरह चेक करेगा ये। हाँ ये जगह भी ठीक है, वेस्ट ओपन भी है, यहीं चलते हैं। भाई साहब। जी भाई। भाई ये मुझे जानवर मुझे पसंद आया है तो मुझे बताएं इसके ओन कितने हैं और फाइल कितने की है। क्या? अरे भाई कितने मरले पे है? क्या? अच्छा लीज है कि नहीं? क्या? अच्छा मुझे ये बताएं इसकी इंस्टॉलमेंट अवेलेबल है कि नहीं, और अगर है तो कितने साल की इंस्टॉलमेंट है ये भी बताएं। ओ भाई मैं जमीन नहीं बेच रहा हूँ, गाय बेच रहा हूँ, खरीदनी है तो बोलो। ओहो ये तो गलत सीन हो गया, ये तो वेस्ट ओपन से ईस्ट ओपन में चली गई। नहीं 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 भाई सॉरी, ये डील कैंसिल है, हमारा सौदा नहीं बन सकता, ये बेकार है, माजरत। अजीब है, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं, कहाँ से आते हैं ये लोग। अम्मा ये वाले प्लीज। अरे क्या पागल हो गए हो, कम से कम 50,000 की होगी ये, आगे बढ़ो। हाँ बेटा ये कितने की दे रहे हो? 1,25,000 की अम्मा। आए हाय सोने की है क्या? 1,00,000 घटाओ और 25 में देते हो तो बोलो। अरे अम्मा बार्गेनिंग होती है लेकिन इतनी भी नहीं होती, आपने पूरे 1,00,000 रुपए कम कर दिए, जब भी मैं आपके साथ बाहर नहीं आता। अरे बेटा तुम्हें कुछ नहीं पता, ये खुद कम करेंगे अभी देखना। नहीं अम्मा सवाल ही नहीं पैदा होता, 25,000 की क्या हो गया, कैसी बातें कर रही हो तुम। क्यों सवाल पैदा नहीं होता भाई, मुझे सब पता है, तुम लोग छोटे छोटे बच्चे लेते हो और उसके बाद बड़े करके लाखों में बेच देते हो। अच्छा चलो आप कुछ तो अपनी रेंज बढ़ाओ ना, एक काम करो 1,00,000 में डन करो। भाई मैं कुछ नहीं बढ़ाती, मुझे सब पता है, खाने पे भी कोई खर्चा नहीं आता तुम लोगों का, खेतों में छोड़ देते हो, बेचारी खुद पेट भर लेती है। तुम जल्दी कम करो ठीक है और मुझे बताओ। अम्मा आपको किसी ने ये सब गलत बताया है, हमारी जो गाय है ना बहुत खालिश तरीके से तैयार की है, मक्खन बादाम। बस हाँ बस मुझे ना बताओ, मेरा तजर्बा तुम्हारी उम्र से ज्यादा है। चलो सही दाम लगाओ, शाबाश। 90,000। 26,000। 80। 27। 70। 28। 60। 29। 50। 30। 40। 31। 32। चलो ठीक है, देखा बेटा मैंने कहा था ना कम करेगा, अब खुश हो। चलो बेटा रस्सी वस्सी खोलो इसकी, रेडी करो। ये सही है भाई। बेटा मुझे तो लगता है अभी भी मैंने 7,000 रुपए ज्यादा दे दिए। चलो बेटा तुम जाओ सुजुकी कराओ, और हाँ 200 रुपए से ज्यादा मैं नहीं करवाना, जाओ चलो। तो गाइस उम्मीद है कि आप लोगों को ये फनी यूनिक कैरेक्टर्स मंडी के अंदर पसंद आए होंगे और आप लोगों ने इस वीडियो को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा। तो एक लाइक ठोक दो, नीचे कमेंट करके बताओ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो और दोस्तों के साथ शेयर करो। मंडी वंडी जाओ, बकरीद मुबारक भाई सबको। सही वीडियो था, बहुत ही फनी वीडियो था, सबसे बढ़िया मुझे बिजनेस वाला लगा, बिजनेसमैन जो आया था एंड डॉक्टर वाला, वो चेकअप ऐसे करते हैं और ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं भाई सही में, ऐसे होते हैं मतलब डॉक्टर की तरह होते हैं बंदे, वो आम ही होते हैं लेकिन कोई चेकअप करेगा डॉक्टर की तरह कि इसमें ये कमी नहीं है, इसका बाल कैसा है, इसका ये कैसा है, इसका ये कैसा है, कुछ ना कुछ कमी निकालते हैं ताकि पैसे भी कम हो सके, एक सोच तो ये भी बनी रहती है। और दूसरा कुछ बिजनेसमैन होते हैं ऐसे भी होते हैं मतलब अमीर लोग, अरे ये दूर से देखकर बोल दिया ये सही लग रहा है, बताओ कितने पैसे का है, दिए पैसे और ले गए। तो दो हर तरह के लोग होते हैं एंड बहुत ही फनी था। लास्ट वाली जो अम्मा थी उनका तो बहुत ही ज़्यादा फनी था, वो लेकर आई और इतनी ज़्यादा बार्गेनिंग भैया, 1,25,000 पे सिर्फ 25,000 बोलकर 32,000 में ले गई, इतनी बार्गेनिंग कर ली उन्होंने कि 32,000 में ले गई, 1,25,000 की चीज़ 32,000 में।
क्या बात है, मेरा वीडियो था। कुछ कैरेक्टर्स हमें ऐसे भी देखने को मिलते हैं। कमेंट करके बताइए आपके आसपास, या फिर आपने कभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया होगा कि आसपास के कुछ किस्से शेयर कर सकते हैं आप, लिखकर जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ।